तो वेलकम टू माय चैनल बी शर्मा। आज का वीडियो टॉपिक ये है कि पबजी क्या बैन होगा इंडिया में। एक्चुअली इंडिया में बैन नहीं, ये लागू हुआ है बहुत सारे कंट्रियों के, इंडिया के अलावा बहुत सारे कंट्री में इसका पबजी का बैन होने का लागू चल रहा है। इसका एक मेन रीज़न है, एक बाहर देश में रशिया का एक कंट्री का एक बच्चे ने अपने फैमिली को मतलब किल अपने फैमिली मेंबर को एक सचमुच में पबजी एडिक्शन ने फैमिली मेंबर को किल कर दिया। वो ऐसे कि उस मतलब फैमिली के पास एसोल राइफल था, तो उस मतलब वो मतलब एक 19 साल का बच्चा का पबजी गेम से मतलब इतना गेम खेला, उसका मतलब एक एडिक्शन हो गया। तो गेम के एडिक्शन वजह से उसने अपने जो रियल लाइफ राइफल है उस राइफल से अपने फैमिली को किल कर दी। तो इस वजह से मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया में ही ये बैन है, नहीं, ये पूरा मतलब नहीं, बहुत सारे कंट्री में इसका मतलब लागू हो रहा है। और अभी मैं आपका वीडियो फुटेज दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हैं ये फुटेज। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम मधुमिता सेन गुप्ता है, मेरा बेटा कक्षा 9वीं का छात्र है। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसकी पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं। धन्यवाद। मायनी, कृपया इस पर अपने विचार प्रकट करें। ये पबजी वाला है क्या? या तो फ्रंट लाइन वाला होगा। ये समस्या भी है, समाधान भी है। हम ये चाहें कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी से दूर चले जाएं, फिर तो वो एक प्रकार से अपने सारी जिंदगी से एक प्रकार से पीछे की तरफ जाना शुरू हो गया, और इसलिए उसको ये टेक्नोलॉजी के संबंध में प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन उस टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग करता है, क्या टेक्नोलॉजी उसको रोबोट बना रही है क्या, या इंसान बना रही है? अगर मां बाप थोड़ी रुचि लें, कभी खाना खाते समय चर्चा करें टेक्नोलॉजी की कि बताइए भाई इन दिनों क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या नया आया है, किस प्रकार के नए नए ऐप्स आए हैं, उसमें क्या होता है, तो उस बच्चे को लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं मेरे मां बाप हो सकता है मेरी मदद करेंगे। तो पहला काम तो आप किसी को रोक लें। मैं देख रहा हूं यहां करीब करीब हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है, हो सकता है कुछ लोग यहां प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में होंगे लेकिन कोशिश करते होंगे दोस्त को बताने के लिए मैं यहां बैठा हूं। इससे क्या होता है, धीरे धीरे हम सिकुड़ते चले जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमें अगर सिकुड़ देती है, हमें नैरो बना देती है, हमारी सोच भी बड़ी नैरो बन जाती है, तो शायद हमें जीवन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे एक्सपांशन के लिए होना चाहिए, मेरे विस्तार के लिए होना चाहिए, मेरे सामर्थ्य में बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए। और इसके लिए टीचर्स ने भी बार बार इन विषयों की चर्चा करते रहना चाहिए। जैसे कि मोदी जी ने कहा ये पबजी वाला है क्या, तो इंडिया में ये
इंडिया में ये जो स्पीच चल रहा है मोदी का स्पीच, ये पबजी वाला है क्या? मतलब इंडिया में जो ये जो लागू हो रहा है वो है स्टडी के लिए, मतलब ये पबजी गेम उन बच्चों के लिए है जो क्लास 9 या 10 में है या फिर उनका बोर्ड एग्जाम चल रहा है, उन लोग के लिए, मतलब उन लोग के लिए फैमिली ये सोच रहा है कि इस गेम के वजह से अपना मतलब बच्चों का मतलब जो फ्यूचर है, जो एडिक्शन हो, जो मतलब दिमाग में जो गेम के बारे में बार बार आ रहा है, इसलिए मतलब पबजी बैन होना चाहिए। एक दिल्ली का बॉय ने सुप्रीम कोर्ट पे मतलब केस कर दिया कि पबजी गेम बैन हो जाए। अभी आप बताएं कि पबजी गेम बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? के अकॉर्डिंग टू ये डायरेक्टली आप पबजी को नहीं इशू कर सकते कि पबजी के वजह से ये मतलब ये पढ़ाई में बच्चों का पढ़ाई में मतलब कम हो रहा है, ये हो रहा है। मतलब पबजी के अगर कल तक अगर कुछ नया गेम आ जाए तो उसी के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि इस गेम के वजह से मतलब ये हो रहा है। मतलब अपना मैं आपको ये वीडियो उन लोग के लिए, बच्चों के पेरेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ। आप अपने बच्चों को एक सही गाइडलाइन दीजिए कि ये गेम क्या ये गेम खेलना सही है कि नहीं खेलना सही, और कितना देर तक खेलना सही है, और इसका एडिक्शन क्या है, ये अपना बच्चों को आप पूरा प्रॉपरली उसको समझा दीजिए, तभी ये गेम पे ऊपर मतलब लागू हो सकता है। मैं आपको बता दूँ, गेम खेलना मतलब कोई बुरी बात नहीं है। गेम मतलब जो गेम मतलब उसका जो मतलब बच्चे गेम खेलते हैं या फिर कोई भी इंसान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे के ऊपर, मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी इंसान अगर एक गेम खेल रहे, मतलब एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होना चाहिए। अभी का जो दुनिया में दौर चल रहा है वो टेक्नोलॉजी चीज़ के ऊपर बहुत ही दौर चल रहा है। मैं आपको पेरेंट्स को मतलब बच्चों के पेरेंट्स के लिए मैं आपको बता दूँ कि आप अपने बच्चों को पूरा एकदम सही गाइडलाइन दीजिए कि ये गेम खेलने के बाद आप अपने बच्चों को कितना मतलब उसका एडिक्शन कैसे लगता है, क्यों लगता है, ये प्रॉपर मतलब गाइडेंस दीजिए बच्चों को। पेरेंट्स अगर बच्चों को अगर सही गाइडलाइन दे देंगे तो मतलब ये बच्चों को ये गेम से मतलब कंट्रोल रहेगा। मतलब गेम मतलब इतना होना चाहिए कि आप गेम को कंट्रोल करो, गेम आपको नहीं, ये एडिक्शन वही है, गेम का एडिक्शन यही है। मतलब आप एक पबजी गेम खेल रहे हो, मतलब कम से कम 1 घंटे का या फिर 15 मिनट्स का पूरा मतलब एक गेम का लागू है। अगर इसमें बीच में आप हार ही जाए तो आप सोचेंगे कि आप दोबारा एक बार प्ले कर लो तो आप जीत सकता है। उस पर अगर जीत लिया तो फिर और दोबारा कोशिश करते हैं, फिर मतलब इस गेम में मज़ा नहीं है और दूसरी बार खेले, ऐसे गेम का एडिक्शन होता है एकदम। और गेम का मैं आपको पहले आपको बता दूँ इस गेम का फ़ायदा क्या है। इस गेम खेलने से बाद अपना जो माइंड का जो वो मतलब क्या है कि फिजिकल जो माइंड होता है वो मतलब थोड़ा डेवलप होता है। इस गेम का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप रात को अगर मोबाइल डिस्प्ले के साथ ये गेम खेल रहे हो, अपना घर का लाइट ऑफ है, तो मतलब मोबाइल का डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है, आजकल के फोन में फुल एचडी डिस्प्ले है, उस डिस्प्ले का ब्राइटनेस आपका जो आँखों का जो हार्मफुल जो रिएक्शन होता है ज़्यादा गेम खेलने से, आपको प्रॉब्लम होगा अपने आँखों के ऊपर। पहला मैं तो मानता हूँ ये पहला अपने शरीर के ऊपर जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आँखों के लिए, अपने आइज को प्रोटेक्ट करना होगा। ये गेम जो भी गेम हो आप अगर अंधेरे रूम में अगर रात भर अगर आप बिना मतलब अपना अपना अगर आप अगर रात भर सो रहे होंगे उसके बाद अगर ये गेम खेल रहे हो तो पहला आपका प्रॉब्लम अपने आँखों के ऊपर होगा। पहले आप प्रोटेक्शन अपने आँखों का करना होगा, उसके बाद आपका स्टडी में होगा, यही मैं आपको बता रहा हूँ। पबजी गेम अभी आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट के लिए कि पबजी गेम बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपका कमेंट जरूर लिखिएगा। और चैनल को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।